फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे मैं ट्रोलर के डिवाइस में किस तरीके से डेट एंड टाइम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको दिखेगा एक सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिस्टम पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अगर 24 वाला ऑप्शन अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिए। इसी तरीके से आप 24 आवर्स वाला टाइम को ऑफ कर सकते हैं और रियल टाइम जोन को इसको इनेबल कर दीजिए। और सेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, बट इसको ऑफ करके यहाँ से आप टाइम जोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको ऑफ करने के बाद आपको क्या करना होगा। इसको भी ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे डेट दिखने शुरू हो जाएंगे। डेट सेट कर सकते हैं यहाँ से, टाइम सेट कर सकते हैं और AM PM यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर वाले AM, नीचे वाले PM, यहाँ पे जो भी आपका डेट हो रहा होगा वो उस पर क्लिक, मान लीजिए ये हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये 11 बज का हो गया। ये इस पर क्लिक करके ये सेकेंड सेट कर सकते हैं, ऐसे करके सेकेंड सेट और ये टाइमिंग सेट। तो आपको जो भी आपको सेट करना है कर सकते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। मेरा सेट नहीं करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट है। और इस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो नेटवर्क वाला टाइप वाला ऊपर चलेगा और ये वाला ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली टाइम जो मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में आपने जाना किस तरीके से आप अपना जो कि चेंज कर सकते हैं।